सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, उस तरीके का स्टेटस कैसे क्रिएट करते हैं जो बीट के साथ पैचिंग हो रहा है, तो उस तरीके का स्टेटस कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम उसी तरीके का स्टेटस का ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। अगर आपको ये स्टेटस वीडियो चाहिए तो आप सिंपल से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको सिंपल से प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो पे क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग पे जाना है, एडिटिंग पे जाना है और आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर आना है, ड्यूरेशन पे जाना है और आपको ड्यूरेशन पूरा जीरो कर लेना है, लेफ्ट स्वाइप करके पूरा लास्ट तक चले जाना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट 8 इमेज सिलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आप इस तरीके का स्टेटस क्रिएट कर पाएंगे। सो आपको पहले 8 इमेज सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको जो भी इमेज अच्छा लगे आप सिंपल से 8 इमेज सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऑडियो पे जाना है और आपको जो ये वाला ऑडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा तो सिंपल से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और राइट पे क्लिक कर देना है। 8 इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे और एक इमेज ऐड करना है, तो आपको मीडिया पे जाना है और आपको जो इमेज अच्छा लगे आप सिंपल से सिलेक्ट कर लेना और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 9th वाले इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, आपको ड्रैग करके आपको 3.620 पॉइंट पे लेके आना है इस तरीके से। अब सुन लेना, बीट के हिसाब से आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट बीट भी यहाँ पे 3.627 पे है, तो इस तरीके से आपको सुन लेना है और एडजस्टमेंट कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद ट्रिम कर देना है, राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 9th वाले इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और आपको मेमोरी लेन इफेक्ट आपको गेट मोर से डाउनलोड कर लेना है। तब गेट मोर से सिंपल से मेमोरी लेन डाउनलोड कर लेना, उसके बाद आपको मेमोरी लेन पे क्लिक करना है और नंबर 5 को टैप करना है इस तरीके से। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और 7 इमेज ऐड करना है, तो आपको सिंपल से मीडिया पे जाना है और आपको जो इमेज अच्छा लगे आप ऐड करना चाहते हो सिंपल से 7 इमेज ऐड कर लेना। और राइट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे 7 इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बीट के हिसाब से और एक इमेज ऐड करना है, तो आपको सिंपल से मीडिया पे जाना है और आपको इमेज ऐड कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट इमेज को आपने जो ऐड किया उसको सिलेक्ट करना है, पैन इन जूम में जाना है और आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है और इकेल पे क्लिक कर देना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, लास्ट इमेज को, और आपको बीट सुन लेना है और बीट के हिसाब से आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मेरा जो थर्ड या फोर्थ बीट है, तो यहाँ पे फोर्थ बीट है 7.627 शायद। तो आपको सॉन्ग सुन लेना है, सॉन्ग के हिसाब से बीट जहाँ पे है उस पॉइंट पे आने के बाद आपको सिंपल से ट्रिम कर लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बीट के हिसाब से और 4 इमेज ऐड करना है, तो आपको सिंपल से मीडिया पे जाना है और आपको जो इमेज अच्छा लगे आप सिंपल से ऐड कर लेना 4 इमेज। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक इमेज ऐड करना है, तो आपको मीडिया पे जाना है और आपको जो इमेज अच्छा लगे अब सिंपल से सिलेक्ट कर लेना और राइट पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको फोर्थ इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपने जो लास्ट इमेज सिलेक्ट किया था उसको सिंपल से सिलेक्ट करना है और आपको ड्रैग करके आपको 11.260 शायद इसका जो बीट है 11.260 शायद बीट है, तो आपको सिंपल से सॉन्ग सुन लेना है, सॉन्ग के हिसाब से बीट जहाँ पे है उस पॉइंट पे आपको लेके जाना है इस तरीके से। उसके बाद ट्रिम पे जाना है और आपको ट्रिम कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे जो इस वाले इमेज को आपने जो सिलेक्ट किया था उसको क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और आपको स्वीट लाइस इफेक्ट पे जाना है और आपको नंबर 15 वाला सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि स्वीट लाइस इफेक्ट कैसे काइंडनेस में ऐड करते हैं तो उसका भी वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो सिंपल से वीडियो देख के ऐड कर लेना। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है और आपने जो अभी लास्ट इमेज ऐड किया था
उस पर सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और आपको कॉल मी डीजे वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। कॉल मी डीजे पे जाने के बाद आपको नंबर 4 इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और 9 इमेज ऐड करना है, तो आपको सिंपल से मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ पे 9 इमेज ऐड कर लेना है। और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 9 इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से और एक इमेज ऐड करना है, तो आपको सिंपल से मीडिया पे जाना है और आपको जो इमेज अच्छा लगे आप सिंपल से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट इमेज को आपने जो सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से ड्रैग करके आपको बीट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे लास्ट बीट जो है 15.177 शायद है, तो आपको सुन लेना है सॉन्ग के हिसाब से, तो बीट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है इस तरीके से। उसके बाद ट्रिम पे जाना है और आपको ट्रिम कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, आपको कॉल मी डीजे में जाना है और नंबर 2 वाला इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको बाकी पार्ट सॉन्ग का नहीं चाहिए आप सिंपल से ट्रिम कर लेना। इसी तरीके से आप 30 सेकंड्स का बना सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड्स का आपको बना के दिखाया हूँ। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 8 इमेज सिलेक्ट करना है, उसके बाद 9th इमेज को आपको ऐड करना है और आपको सॉन्ग के हिसाब से बीट सुन लेना है और इस तरीके से ड्रैग करके आपको बीट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद 9 इमेज को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और मेमोरी लेन का आपका नंबर 5 वाला आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको फिर से बैक आना है, बैक आने के बाद आपको फिर से 7 इमेज सिलेक्ट करना है। 7 इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से 8 इमेज आपको सिलेक्ट करना है, नंबर 8 सिलेक्ट करने के बाद आपको सॉन्ग का बीट सुन लेना है, बीट के हिसाब से आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और स्वीट लाइट इफेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कॉल मी डीजे या स्वीट लाइट इफेक्ट कैसे काइनमास्टर में ऐड करते हैं आपको नहीं पता, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल से वीडियो देख के आप ऐड कर लेना। उसके बाद आपको फिर से 4 इमेज ऐड करना है, तो आपको 4 इमेज इस तरीके से ऐड कर लेना है। उसके बाद 5th इमेज को आपको ऐड करना है और आपको 5th इमेज का बीट के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है और कॉल मी डीजे इफेक्ट सिलेक्ट करना है। और इसी तरह आपको और 9 इमेज ऐड करना है, 9th इमेज सिलेक्ट करने के बाद आपको लास्ट 10th वाला इमेज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉल मी डीजे पे जाना है और नंबर 2 वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सभी इमेज को ऐड करने के बाद हमारा जो स्टेटस बन चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट ऐड करना है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको यहाँ पे टेम्पलेट ऐड करना है। तो ये वाला टेम्पलेट आपको ऐड करना है, तो ये वाला टेम्पलेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप सिंपल से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल स्किन कर लेना है इस तरीके से और इसका ऑडियो आपको म्यूट करना है और बैक आना है, आपको ब्लेंडिंग में जाना है और आपको स्किन कर लेना है और राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जितना पार्ट नहीं चाहिए सिंपल से ट्रिम कर लेना और राइट पे क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो बन चुका है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो बन चुका है। सो इसी तरह और भी ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।